हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आई हूँ अपनी ननद के घर में। ननद ने शादी का ऑपरेशन करवाया, उसका कुछ नया लेने के लिए आई हूँ। बड़ा दबड़ा आ गया, बात कराती हूँ। मैं कहता हूँ आए तो बड़े बड़े बहुत चलेंगे। और ये मेरी बीच वाली ननद है जिसका ऑपरेशन हुआ पथरीगा, इसका बेरा लेने के लिए आए हैं। अब तबीयत सही है बीडो? ठीक है, आराम है ना? आराम, दवाई टाइम पर खा लेना। ये जो सबसे बड़ी दिखाई देती है ना, ये सबसे छोटी छोटी बड़ी तो वो है ना, बड़ी तो ये है। सबसे छोटी दिखाई दे रही है, वो सबसे बड़ी है। ये बड़ी दिखाई दे रही है, वो सबसे छोटी। ये देसो है मेरी ननद, ये तीनों बहनें हैं। तीनों बहनें हैं, ये हमारा भाई है, ये हमारी भाभी है। अब क्या बड़ा साहब लेगा जब बंद होगी? बोला मैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी बहन है। और आप कैसे आए भाई? अपनी बहन का बेरा लेने आए हैं। ये मेरा जीजा है। बुलवा ले के ये बड़ा हुआ है। अरे वो बड़ा हुआ है क्यों? ये जमींदार आदमी है भाई। ये भी जमींदार है, ये वीडियो बनेगी। जमना आवा है और बार फसल पे वो आगे ले जा है बर्बाद कर दिया। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सरकार से कुछ आपकी मांगे? ये भूख तो करे अपने आप लिखिए जो तरह लिखना मैंने लिखना नहीं है, आपने इसमें बोलना है। इसमें नहीं बोलते हम, क्यों ना बोलते जी? ये मेरा बड़े बड़ा ननद हुई है, पानीपत के पास गांव पड़ता है इनका, गोलापुरत बापोली के पास में। बहुत मेहनती है, जमींदार है ये। ये हमारे छोटे वाले जीजा जी हैं, ये इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। ये आपके गार्ड्स जो बटालियन है वहाँ उसमें सर्व करते थे। अभी किसी इंडस्ट्री के अंदर हैं, वहाँ का सिक्योरिटी हेड है, वहाँ पे सारा सिक्योरिटी देखते हैं। और ये बलराज जी हैं जो मेरे बीच वाले जीजा जी हैं, ये खेती करते हैं। लगा लो कि पिछले अपना पूरा लाइफ इन्होंने खेती करने में दे दी है, बट आपको पता ही है आज के टाइम में ज़मींदार की और किसानों के क्या चैलेंजेस होते हैं। वो कुछ भी कितना भी करते रहें बट वो पूरी राय। बलराज जी कैसे हो आप? ठीक है। और अभी फसल वसल का क्या क्या चल रहा है अभी? ये धान लगाए हैं अपने? लगाऊंगे भाई, अभी तो नर्सरी तैयार हो रही है। नर्सरी तैयार हो रही है। देखो अब धान की वैसे तो चलो प्रॉफिटेबल रहती है फसल, लेकिन बहुत बड़ा जुआ कह सकते हैं उसको ना। हाँ, ये हमारी बहन है, ये वहाँ इनका गांव पड़ता है गोयला खुरद। तो अभी अभी कितने तो पिछले कितना टाइम हो गया आपको जमुना जो चढ़ के आई हुई उसको देखे? कितने टाइम पहले आई थी? ये बारी है। हाँ। उसकी वजह से कोई नुकसान हुए? मतलब हाँ, अच्छा फसल खराब हो जाती है, फसल खरबूजे खराब हो गए, तरबूज खराब हो गए। देखो जी, इस तरीके की नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं या कोई भी किसी तरह का डिजास्टर कह सकते हैं, काफी लॉसेस होते हैं जो बाउंड्रीज पे रहते हैं, जिनके पास से कोई नदियाँ गुजर रही होती हैं। ये हमारी बहन है, ये और दिल्ली में ठीक ठाक है? गर्मी कैसी है? अच्छा, बच्चे की जॉब ठीक चल रही है? बच्चा इनका है अबे, ऑपरेशन ठीक हो गया? ऐसा है, जो मेरी बहन जी है ना, इनका जो गाइस, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हम अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।